वीर्य पतला हुआ इसलिए काफी लोग मेरे पास में आते रहते हैं कि हमारा वीर्य पतला है और उसके लिए इलाज करो। ताइए आपका स्वागत है, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसनमुक्तज्ञ हूँ, महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। लड़के लोग आते रहते हैं कि नहीं मेरा वीर्य पतला हो गया। मतलब पतला हो गया मतलब क्या? नहीं बोले वो पतला ही है, मतलब ऐसा कहीं तो भी उसके दिमाग में आ जाता है, कोई तो भी भरवा देता है उसके दिमाग में कि वो पतला हो गया। नहीं पहले बहुत गाढ़ा रहता था, अभी पतला हो गया, मतलब मतलब क्या होता है? तो उसको कोई मतलब बताने आता नहीं, उसके दिमाग में बैठ जाता है, कोई कुछ कमेंट पास कर देता है या कभी कुछ उसको कुछ बोल देता है। मतलब कि भी ठीक है आप ऐसा करो, वीर्य पतला या गाढ़ा कुछ होता नहीं है, आप टेस्ट कर लो। क्योंकि वीर्य में यदि शुक्र जंतु बराबर है, उसकी मात्रा बराबर है, तो पतला और गाढ़े का कोई सवाल होता ही नहीं है। पतला गाढ़ा अपने कितने सिक्रेशन उसमें आते हैं उसके ऊपर है। क्या होता है कि जब टेस्टिकल में स्पर्म्स तैयार हो जाते हैं तो उनका उनकी जो यात्रा है वो वहाँ से शुरुआत होकर वो जाती है सेमिनल वेसिकल तक अंदर। उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो अपना सिक्रेशन डालते हैं, काउपर्स ग्लैंड जो है वो अपना सिक्रेशन डालते हैं, स्पर्म्स ऐसा सब मिला के वो पूरा प्रोडक्ट तैयार हो जाता है और वो सेमिनल वेसिकल में जमा हो जाता है। अब वो कितना सिक्रेशन कौन से ग्लैंड का आता है उसके ऊपर पतला या गाढ़ापन रहता है उसको कोई महत्व नहीं है। तो जब मेरे पास में लड़के लोग आते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ ऐसा करो आप सीमेंट टेस्ट करके लाओ। आप सीमेंट टेस्ट करके लाने के बाद में आपको यदि उसमें शुक्र जंतु शुक्राणु दिखते हैं कि है भाई उसमें शुक्राणु, उसके लेवल नॉर्मल है, क्वांटिटी ठीक है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल जो है वो है 60 मिलियन से लेकर 120 मिलियन पर सीसी, मतलब 60 दशलक्ष से लेकर 120 दशलक्ष तक शुक्राणु होना चाहिए 1 मिलीलीटर में, इतने ज्यादा मात्रा में रहते हैं। और वो यदि है तो फिर आपका नॉर्मल है, प्रॉब्लम ही क्या है? तो वो हम टेस्ट करने के बाद में उनको मैं एहसास दिलाता हूँ पतला गाढ़ा कुछ भी नहीं है, उसके लिए दवा लेने की जरूरत नहीं है, उसके लिए दवा लो मत, अपने आप को बर्बाद मत करो, घूमो फिरो मत, टेस्ट कर लो कि सीमेन बराबर है क्या, अपन पुरुष में बराबर है कि नहीं है, मतलब अपने को बच्चे हो सकेंगे नहीं हो सकेंगे, इरेक्शन हो रहा है कि नहीं, कठोरता आ रही कि नहीं, बाकी उसमें कुछ मतलब नहीं है। लोग बोलते हैं नहीं छोटा हो गया है, मैं बोलता हूँ कि 1 इंच से यदि कम है तो फिर समझ जाना कि अपना छोटा है और अपन आदमी में नहीं है। गोलाई में जो है वो जो अपनी छोटी उंगली जो है इससे यदि कम गोल है तो हम समझते कि नहीं नहीं वो छोटा है, 1 इंच मतलब करीब करीब इतना, अब इससे यदि कम है तो हम समझते कि छोटा है। तो टेढ़ा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, गोलाई में कम है तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, पतला वीर्य है तो कुछ नहीं फर्क पड़ता। सवाल ये है आपके सिस्टम में कठोरता आ रही है क्या? आप संभोग तब तक चला सकते हैं जब तक पत्नी की इच्छा पूरी नहीं होती, तब तक चला सक रहे हैं, और उसमें स्पर्म्स बराबर है कि नहीं? स्पर्म्स बराबर है और पति पत्नी को दोनों को समाधान मिल रहा है तो सेक्स लाइफ आपका अच्छा हो सकता है। ये वीडियो ज्यादा लोगों को शेयर करो ताकि लोगों की गलतफहमी निकल जाएंगे। आप हमको ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने बीमारी का इलाज कर सकते हैं। सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत ये हमारा संकल्प है। हमारे यहाँ तो हॉस्पिटल है जिसमें हम रिसारों के साथ में या रिसारों के अलावा पेशेंटों को भर्ती करते हैं, उनका इलाज करते रहते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।